आपका यहां रुकना आपको संकट में डाल सकता है, इसलिए आपको यहां से जाना ही होगा। उचित है स्वामी, किंतु मुझे लंका के राजभवन पर नहीं, किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर भेजिए, क्योंकि आपका वनवास अभी भी शेष है और आपकी अर्धांगिनी होने के कारण मैं भी किसी नगर या राजभवन में निवास नहीं कर सकती। यदि ऐसा है तो माता सीता को अनश्वर गुफा में ले जाया जा सकता है, जिसमें ना ही कोई अनधिकृत रूप से प्रवेश कर सकता है और ना ही उसका विध्वंस किया जा सकता है। उसका निर्माण स्वयं देवी शिल्पी विश्वकर्मा ने किया। कहाँ है वो अनश्वर गुफा विभीषण जी? लंका के पूर्वी द्वार पर ठीक सम्मुख है वो अनश्वर गुफा। उचित है, तुम इन सबको अनश्वर गुफा में ही लेकर जाओ। उचित है भैया। छुपकर वार कर रहा है ये दुष्ट। सामने आए तो प्रभु संहार कर दे इसका। कैसे लड़े प्रभु इससे? शतानंद प्रभु श्री राम को और उनकी सेना को अपने लोक में लाने के लिए किसी ना किसी प्रकार से विवश करने का प्रयास कर रहा है। राक्षस, अब तुम्हें दिखाता हूं मेरा आतंक। जय श्री राम। हम्म।
वानर, हम तुम सबको भस्म कर देंगे। आश्चर्य है, हमारी प्रचंड अग्नि भी इस वानर का कुछ नहीं कर पा रही है। दोस्तों, मुझे भस्म करोगे तुम सब? कर भागना चाहते हो तुम सब? कहां भागोगे? मेरे रहते तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे राक्षस। शतानन का प्रत्येक वार बड़ा और बड़ा होता जाएगा। तुम भी दहल जाओगे वनवासी, दहल जाओगे तुम। नारायण नारायण, ये राक्षस अपनी समस्त मायावी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है अपने प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए। हाँ देवर्षि, देवी सीता को भी आतंकित करने का प्रयास कर रहा, जिससे श्री राम शतानन का अंत करने के लिए उसके लोक में जाने को विवश हो जाए। लक्ष्मण जी, आप चिंता मत कीजिए, इस राक्षस को हम संभाल लेते हैं। हाँ लक्ष्मण जी, इस राक्षस को हम संभाल लेंगे। दुष्ट, मेरे रहते तुम सीता को कोई क्षति नहीं पहुंचा पाओगे। अच्छा, ये राक्षस तो माता सीता और भैया लक्ष्मण पर आक्रमण कर रहे हैं। तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दूंगा मैं। जय श्री राम। माता, आप सभी स्त्रियों को लेकर गुफा में जाइए। आप सब चलिए गुफा में, चलिए त्रिजटा। बहुत आतंक मचा लिया तुम सबने। Yeah!
आश्चर्य है? मेरे इस प्रचंड वार को सह लिया इस राक्षस ने, और अब ये मेरा निर्णायक मुख्य प्रहार। अब मैं तुम सभी को एक साथ ही लील जाऊंगा, समाप्त हो जाओगे तुम सब के सब। ये तो महाभयानक राक्षस है। सावधान, ये तो खा जाएगा हम सबको। बच के रहना, संभालो। ये राक्षस तो लील जाएगा सबको। आतताई युद्ध किए हनुमत रघुराई, राक्षस सब हूँ अति भयकारी, राम कपी सब हूँ संहारी। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की, जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान, जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। इस वानर ने ही लंकेश के सभी राक्षसी दानवों का वध किया था, और अब आपके अंश से निर्मित इस दानों का भी अंत कर दिया इसने। अब ये सब विवश हो जाएंगे मेरे इस लोक में आने के लिए। दुष्ट शतानन ने तो महाविनाश मचा दिया है यहां। भाभी मां, प्रतीत हो रहा है जैसे समस्त राक्षसी शीश समाप्त हो गए हैं, किंतु ये निश्चित करने के लिए हम कुछ समय प्रतीक्षा करेंगे, फिर लौटेंगे भैया के पास। सहसा वायु की तीव्रता कम हो गई है, पृथ्वी का कंपन भी रुक गया है, और बाहर से आक्रमण की ध्वनियां आनी भी बंद हो गई। सत्य कहा आपने, अवश्य ही प्रभु श्री राम ने शतानन का वध कर दिया होगा। वध तो उसका होगा ही, किंतु इस समय मुझे ये शांति उसके वध की नहीं, उसके किसी बड़े आतंक के आने के पूर्व की स्तब्धता का संकेत दे रही है। अभी तो ये आरंभ है, महाविनाश तो अभी शेष है। यदि तुम सोचते हो कि पृथ्वी लोक से इस महाविनाश को रोक सकते हो, तो ये तुम्हारी भूल है, भूल है तुम्हारी। मैं अंबर के सात तलों के पार से अपने लोक से ही महाविनाश मचाता रहूंगा। मुझे समाप्त करने के लिए तुम्हें अंबर के सात तल पार करके मेरे इस लोक तक आना होगा, अन्यथा मैं इस पृथ्वी लोक के साथ साथ तुम सबका सर्वनाश कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा तुम सबको। ये शतानन तो रावण से भी अधिक प्रचंड शक्तियों का स्वामी है, कैसे होगा इसका? चुनौती देकर प्रभु श्री राम को उकसाने का प्रयास कर रहा है। आशा है श्री राम उसे उकसाने में नहीं आएंगे। वो दुष्ट हमें चुनौती देकर गया है। प्रभु, अब आप ही बताइए हमें क्या करना चाहिए। प्रभु, अब आप ही बताइए हमें क्या करना चाहिए।
स्पष्ट कहा है शतानंद, उसका अंत करने के लिए उसके लोक में जाकर युद्ध करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है हमारे पास। उनका लोक तो अंतरिक्ष में स्थित है, हम सबका वहां जाना सहज संभव नहीं। प्रभु, आकाशवाणी में तो यही कहा गया था कि शतानंद का वध हुए बिना संसार से अधर्म का अंत नहीं होगा। यदि उसका अंत नहीं हुआ तो वो पुनः अधर्म और पापाचार का साम्राज्य खड़ा कर लेगा। प्रभु, पृथ्वी पुनः पाप के बोझ तले दब जाएगी, इसलिए प्रभु। हाँ हनुमान, अधर्म का पूर्णतः अंत करने के लिए शतानंद का अंत करना आवश्यक है। उसके लिए शतानंद लोक तो जाना ही होगा। ये क्या करने जा रहे हैं श्रीराम? शतानंद के लोक में जाकर शतानंद का अंत, बहुत बड़े संकट में पड़ जाएंगे सभी। प्रभु, यदि शतानंद लोक जाना ही है तो आप मुझे अनुमति दीजिए, मैं स्वयं जाकर समाप्त कर दूंगा उसे। प्रभु, मैंने तो देखा भी है उसका रूप। नहीं हनुमान, तुमने आकाशवाणी को नहीं सुना था। मुझे शतानंद का वध करने के लिए कहा गया था, और जैसा कि सीता ने भी बताया, वो राक्षस असाधारण शक्तियों से संपन्न राक्षस है, इसलिए मैं तुम्हें वहां अकेला नहीं जाने दूंगा। उसका संहार करने के लिए सबको वहां जाकर युद्ध करना पड़ेगा उससे। किंतु नहीं, प्रभु, प्रभु क्या हुआ? नहीं हनुमान, हमारी सेना अभी अभी इस महायुद्ध से उभरी है, सब क्लांत होंगे, सबको विश्राम की आवश्यकता है। उन्हें एक और युद्ध के लिए ले जाना अनुचित होगा। वानर योद्धा तो क्लांत प्रतीत हो रहे हैं, आहत भी हैं। मैं तो चाहता था कि सभी युद्ध में जाएं, किंतु प्रभु, मेरे विचार से तो हमारे सभी वानर साथी युद्ध के लिए अवश्य जाना चाहेंगे। ये तो शांत खड़े हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई उत्साह नहीं। प्रभु, आप सत्य कह रहे हैं, सभी वानर योद्धा क्लांत हो चुके हैं, कदाचित भयभीत भी हैं। प्रभु, भय के मारे इनके मुख से कोई बोल तक नहीं निकल रहे हैं। प्रभु, इन्हें विश्राम ही करने दीजिए, किंतु मैं राम काज पूर्ण हुए बिना कदापि विश्राम नहीं करूंगा। आपके नाम के प्रताप से प्रभु, मैं एकाकी ही युद्ध कर लूंगा और उस राक्षस का अंत कर दूंगा। प्रभु, मैं चलूंगा आपके साथ। हनुमान जी, मैं किष्किंधा का युवराज अंगद ना तो कभी किसी से भयभीत हो सकता है, ना ही क्लांत। आप एकाकी नहीं जाएंगे, मैं भी चलूंगा आपके और प्रभु के साथ। मैं भी क्लांत नहीं हूं हनुमान। वैसे भी एक राजा युद्ध के पूर्णता अंत होने तक कदाचित क्लांत नहीं होता। मैं भी चलूंगा प्रभु के साथ। जब एक राजा क्लांत नहीं हुआ प्रभु, तो उसकी सेना कैसे क्लांत हो सकती है? हाँ, हम भी चलकर युद्ध करेंगे उस दुष्ट से।
प्रभु। हम सब आपके साथ हैं प्रभु। जहां उत्साह होता है वहां विश्राम की कोई आवश्यकता नहीं। हमारी सेना युद्ध के लिए उत्साहित है, आप आज्ञा दीजिए। उस महाराक्षस से युद्ध करने के लिए सब सज्जित हैं। किंतु हनुमान, शतानन के अनुसार भूलोक के ऊपर 7 लोगों को पार करके अंतरिक्ष में स्थित उसके लोक तक पहुंचना होगा। इतनी बड़ी सेना लेकर वहां पहुंचना कैसे संभव है हनुमान? व्यक्ति के भीतर यदि उत्साह और धर्म के प्रति आस्था हो तो उसे चुनौती अवश्य स्वीकार करनी चाहिए।